Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, we Sanu and you are watching Sanu Nonstop. But guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, राम मंदिर वॉज मेड विद जीरो मनी, ठीक है। और मैं मतलब मुझे काफी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी और मुझे कोई इतना खास इस टॉपिक के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को जो है ना वो एक थर्ड पार्टी इसमें समझ रही थी, बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन और काफी मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। और मैंने कहा ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम हूँ, तो मतलब इसके ऊपर मैं रिएक्ट कैसे करूंगी, मुझे तो किसी बात का इतना पता भी नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे ना कमेंट बॉक्स के अंदर और उसके बाद जो है वो इंस्टा पे इसकी रिक्वेस्ट आई, फिर एक वीडियो मुझे जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की, और वो वीडियो है ये वाली, हाउ राम मंदिर वॉज मेड विद जीरो मनी। मैंने कहा यार आजकल की दौर में इतनी महंगाई है, ठीक है, और जीरो मनी के साथ कोई बिल्डिंग इतनी बड़ी आप लोग कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो मैंने कहा यार ये वीडियो तो देखनी पड़ेगी और इसके ऊपर बात भी करनी पड़ेगी कि कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते से भी वो कह रहे हैं हमने पैसे नहीं लिए, ठीक है, किसी डोनर ने डोनेट नहीं किया कोई चीज, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो तो सारा कुछ वीडियो के अंदर जाकर ही पता चल गया। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। और ये जो टॉपिक है ना, आजकल बीबीसी न्यूज वाले और पाकिस्तानी मीडिया और जो है इंडियन मीडिया, हर जगह भाई यही टॉपिक जो है वो चल रहा है। तो मैं अपने आप को कह रही थी कि यार मैं इसके ऊपर क्या वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर ये वीडियो जो है ना उसने मुझे कहा कि बनाओ इसके ऊपर वीडियो, तो वीडियो लेकर आ चुकी हूं आपकी पेशी खिदमत। बगैर टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर केस इंडिया के इतिहास का दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाला केस, जो केस पिछले 500 सालों से चल रहा है। क्या आप जानते हो पिछले सिर्फ 40 दिनों में ये केस सॉल्व हो गया, 40 दिनों में एविडेंसेस के बेसिस पर। आखिर कौन से, एक मिनट, 500 साल से चल रहा था केस और कुछ एविडेंस आए और 40 दिनों के अंदर सॉल्व हो गया, तो वो एविडेंस पिछले 500 सालों में क्यों नहीं थे, उनके ऊपर काम हो रहा क्या, मतलब इंटरेस्टिंग यार। जिन्हें कोर्ट में जैसे ही प्रेजेंट किया गया सिर्फ 40 दिनों के अंदर ये ऐतिहासिक और कंट्रोवर्शियल केस हमेशा के लिए सॉल्व हो गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अपने फर्स्ट हियरिंग में एग्जैक्टली 14th October 2019 को डेट देकर कहा था कि हम इस दिन इस केस को फाइनली कंक्लूड कर देंगे। Well, इसके पीछे के reasons काफी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ दो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के वजह से ये हो पाया। एंड माइंड यू, इन एविडेंसेस में ऐसे भी सबूत शामिल है जिसमें खुद मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने तक ये ओपनली एक्सेप्ट किया है कि यस वहां पर हिस्टोरिकली राम मंदिर मौजूद था। सो फाइनली इन एविडेंसेस के वजह से राम मंदिर तो बन गया, लेकिन इस पर ऑपोजिशन और कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि देश के पैसों की टोटल बर्बादी है। इनफैक्ट बिहार के डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव जी ने तो मंदिर को वेस्ट ऑफ मनी प्रूव करते हुए कहा कि भूख लगने पर बीमार होने पर आदमी कहाँ जाएगा, मंदिर में, उल्टा मंदिर में तो दान देना पड़ता है। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दान देना पड़ता है। बेसिकली इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने में पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन डू यू नो, इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इस मंदिर बनाने में सरकार की जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। What? अब आप बोलोगे तो फिर डोनेशन के पैसों से बना होगा। नहीं, डोनेशन का भी एक रुपया यहाँ पर खर्च नहीं हुआ है। तो आखिर राम मंदिर बना कैसे? राम मंदिर ट्रस्ट ने ना एक सिंपल बट एकदम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी यूज की, जिसे आगे मैं डिस्कस करूंगा, पर इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सब समझने के लिए हमें कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। इस पूरे 500 साल के लीगल जर्नी को मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको राम मंदिर केस स्टार्ट टू एंड समझ आ चुका होगा। सो इस केस की प्रॉपर क्लैरिटी के लिए ना, मैंने इस पूरे राम मंदिर जन्मभूमि कोर्ट केस को 3 मेजर टाइमलाइंस में डिवाइड किया। सो शुरुआत करते हैं पहले टाइमलाइन से, जो है 1528 से 1947। सो साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को ये ऑर्डर दिया कि वो अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाए, और उसी राम मंदिर को तुड़वाकर जो मस्जिद बनी थी उसे बाबरी मस्जिद नाम दे दिया गया। बट कई लिटरेरी सोर्सेज के हिसाब से वहां के लोकल्स बाबरी मस्जिद के बाहर उस सेम जगह पर जिसे राम चबूतरा कहते हैं, वहां पर राम भगवान की पूजा फिर भी किया करते थे। इसी को लेकर वहां पर कई छोटे मोटे रायट्स हिस्टोरिकली होते आए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही जगह पर दोनों रिलीजियंस पूजा कर रहे हैं। बट 1853 से 1859 के बीच इन 6 सालों में ये रायट्स काफी ज्यादा वायलेंट होने लग गए थे।
इतने वॉयलेंट कि इतने सालों से इस इशू को इग्नोर कर रही ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसमें खुद इंटरवीन करना पड़ा। सो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले बाबरी राम मंदिर एरिया को अपने कंट्रोल में लिया, फिर दोनों पार्टीज में एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया। उन्होंने मंदिर एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहला बाबरी मस्जिद वाला हिस्सा मुस्लिम्स को सौंपा गया और दूसरा सीता रसोई और राम चबूतरे वाला हिस्सा हिंदूस को दे दिया गया, जहां पर हिंदूस ऑलरेडी पूजा भी किया करते थे, और दोनों साइड्स के बीच में उन्होंने फेंसिंग करवा दी। अब इस सेटलमेंट से भी लोग खुश नहीं थे, स्पेशली हिंदूस, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ऐसा ही था तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि हिंदूस को एक खुले मैदान में भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हिंदूस के पर्सपेक्टिव से ये पीस एग्रीमेंट की जगह पर एक कॉम्प्रोमाइज ज्यादा था, और इसीलिए वहां पर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। इनफैक्ट कुछ छोटे मोटे लीगल केसेस भी वहां पर लड़े गए। लेकिन देश के आजादी के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के बीचों बीच राम भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी, और अगले ही दिन से लोगों ने वहां पर पूजा करना भी शुरू कर दिया। इससे दोनों पार्टीज के बीच में वापस से एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट इतना वॉयलेंट था कि मजबूरन यूपी गवर्नमेंट को उस साइट को ही कंप्लीटली सील करना पड़ गया, और उसके बाद से राम जन्मभूमि में एंट्री सभी के लिए एकदम बैन हो गई। अब ये बैन दिसंबर 1949 में लगा ही था कि इसके 12 दिनों बाद यानी कि 5 जनवरी 1950 में महंत रामचंद्र दास जी ने फैजाबाद कोर्ट में ये अपील करते हुए केस फाइल किया कि उनका राइट टू वर्शिप, ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। अब ये केस कोर्ट में चल ही रहा था कि फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा, जो कि हिंदू साधुस का एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी ये कहते हुए केस फाइल कर दिया कि अयोध्या की लैंड का पोजेशन उनको पूजा करने के लिए मिलना चाहिए। और फिर 1961 में उसे काउंटर करने के लिए मुस्लिम साइड से भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक कोर्ट केस फाइल कर दिया। उनका दावा यह था कि उन्हें ये लैंड मिल जाना चाहिए क्योंकि इस पूरे लैंड पर एक मस्जिद था, तो वक्फ बोर्ड ही उस लैंड के ओरिजिनल ओनर्स हुए। ऑल इन ऑल इस मुद्दे को लेकर छोटे मोटे केसेस तो चल ही रहे थे, लेकिन मेजरली कोर्ट में अब दो हिंदू पक्ष थे और एक मुस्लिम पक्ष, और दोनों साइड्स वहां पर अपने धार्मिक स्थल बनाना चाहते थे। और फिर इसी मतभेद में सालों बीत गए, कोर्ट में लड़ाई चलती रही, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। बट 1985 में इस केस में एंट्री हुई एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व हिंदू परिषद की। इन्होंने भी राम मंदिर के लिए फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके बाद फैजाबाद कोर्ट ने राम मंदिर से जुड़े सारे केसेस को एक साथ क्लब करके एक जॉइंट वर्डिक्ट इशू किया, जिसके तहत 1986 में कोर्ट ने हिंदूस को उसी जगह पर वर्शिप करने की परमिशन दे दी। अब कोर्ट के इस वर्डिक्ट से नेचुरली दूसरी साइड नाराज हो गई, और इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ग्रुप बाबरी एक्शन कमेटी बनाया। इस ग्रुप ने कोर्ट केस डिसीजन को चैलेंज किया और फिर से एक कोर्ट केस फाइल किया। फिर इसी नए कोर्ट केस के रिटेलिएशन में 1989 में एक और एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन राम लल्ला विराजमान ने भी केस फाइल किया। सो अब तक हिंदू साइड में 4 मेन पिटिशनर्स थे और मुस्लिम साइड में 2 मेन पिटिशनर्स, और यहां तक ये बैटल इंटेंसली कोर्ट में चल ही रहा था। बट 1990 की शुरुआत में ये बैटल कोर्ट से निकलकर अनफॉर्चुनेटली रास्तों पर आ गए। सो हुआ कुछ यूं, 1990 में एक बड़े लीडर एल के अडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे थे। अब ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती उसके पहले ही वहां की सिचुएशन काफी टेंस हो गई, और इसी सिचुएशन को देखते हुए 1991 में यूपी गवर्नमेंट ने इस पूरे राम जन्मभूमि लैंड का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और एरिया सील करवा दिया। सो यस, एक बार फिर से दूसरी बार इतिहास में बाबरी राम जन्मभूमि लैंड को सील करके वहां पर एंट्री बैन कर दिया गया, बट इस बार इसका इंपैक्ट काफी खतरनाक होने वाला है। सो इस बैन के बाद हुआ यू कि 6 दिसंबर 1992 को देश भर से हजारों की संख्या में लोग अयोध्या राम जन्मभूमि में जमा हुए, और उन्होंने बाबरी मस्जिद को ही डिमोलिश कर, ये जगह का नाम अयोध्या है, के एंट्री बैन का एक रिपल इफेक्ट था। अब ये होते ही पूरे देश भर में जगह जगह पर कम्युनल रायट्स होने लगे, और 1992 के इन्फेमस मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी इसी का ही एक रिएक्शन था। ये वही बॉम्ब ब्लास्ट है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मेजर हाथ था। इसके बाद
अभी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ। आने वाले सालों तक ऐसे कई रायट्स पूरे देश भर में चलते रहे, जिसमें 2002 के इनफेमस गोधरा रायट्स सबसे मेजर थे। अब बाबरी के डेमोलिशन के बाद देश की रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टीज ने दोनों साइड्स के बीच मीडिएशन करने की भी कोशिश की, बट किसी भी साइड ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहा और वो सभी कोशिशें नाकामयाब रही। इसी दौरान यानी कि साल 2002 में फैजाबाद कोर्ट से राम जन्मभूमि केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 बेंच जजेस ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइट को सर्वे करने के ऑर्डर्स दिए और उन्हें ये बात पता लगाने के लिए कहा कि क्या वहाँ पर वाकई में मंदिर था या नहीं। अब कुछ सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद ASI का सर्वे पूरा हुआ और उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। इसी ASI रिपोर्ट को साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेफर करते हुए एक प्रोमिनेंट वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने कहा कि ASI के हिसाब से जो उन्हें वहां पर एविडेंसेस मिले हैं उससे ये निर्णय लिया जा सकता है कि उस जमीन पर वाकई में पहले राम मंदिर मौजूद था। लेकिन ये मुद्दा यहाँ पर भी कोर्ट के डिसीजन के बाद खत्म नहीं हुआ, अभी तो बल्कि शुरुआत थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि उस लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे आप इस मैप में देख सकते हो, पहला लैंड पार्ट जहाँ पर भगवान राम की मूर्ति थी उसे राम लल्ला विराजमान को दिया गया। दूसरा भाग यानी कि सीता रसोई, भंडारा और राम चबूतरा को निर्मोही अखाड़ा को दिया गया और बची सारी जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई। बट एक बार फिर से कोई भी साइड हाई कोर्ट के ऑर्डर्स से खुश नहीं था और इसलिए इस बार सारे पार्टीज ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही अपील कर दी और इसी मुकाम पर राम जन्मभूमि के पूरे इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को होल्ड पर डाल दिया, बट कई सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं। लेकिन फिर उसके बाद 2016 में एंट्री हुई देश के एक प्रोमिनेंट लॉयर सुब्रमण्यन स्वामी जी की। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए केस फाइल कर दिया और इनके केस फाइल करते ही बस एक ही साल में सुप्रीम कोर्ट में 32 नए अपील्स फाइल हुए। इस प्रेशर के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि केस पर डेफिनेटली 2019 से सुनवाई शुरू होगी और एक ही साल बाद फाइनली वो दिन आ गया। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजेस की बेंच को अपॉइंट किया। ये जजमेंट हिस्टोरिक होने वाला था क्योंकि ना सिर्फ एक 500 साल पुरानी केस सॉल्व होने वाली थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक स्ट्रेटेजी मोल्डिंग रिलीफ प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। मोल्डिंग रिलीफ में बेसिकली कोर्ट्स दोनों पार्टीज से पूछती है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या मिलने पर वो मानेंगे कि हाँ उन्हें जस्टिस मिला। इस केस में भी सेम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड्स को पूछा कि क्या मिलने पर वो इस मुद्दे को यहीं पर खत्म कर देंगे। इस पे दोनों साइड्स ने अपने अपने डिमांड सबमिट किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि वो अब से 40 दिनों में यानी कि 14 अक्टूबर को इस 500 सालों से चल रहे केस का फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसे कौन से प्रूफ थे जिनके वजह से ये 500 साल पुराना केस सिर्फ 40 दिनों में ही खत्म हो गया। Well, ये प्रूफ्स apparently इतने strong थे कि जजेस को भी अपना जजमेंट राम मंदिर के फेवर में ही देना पड़ा। अब इन प्रूफ्स को अच्छे से समझने के लिए ना हमने सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजेस वाले अयोध्या वर्डिक्ट का कंप्लीट डीप एनालिसिस किया, जिसके बाद हमें ये पता चला कि अयोध्या केस जीतने में ASI द्वारा प्रोड्यूस किए हुए एविडेंसेस का मेजर रोल था। सो ASI ने टोटल 533 एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए थे। अब हर एक पीस ऑफ एविडेंस को तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट एग्जैक्टली वो मेन कौन से एविडेंसेस थे जिनके वजह से आज अयोध्या में राम मंदिर बना, ये आपको इजीली समझाने के लिए हम उन सारे एविडेंसेस को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी एक्सकेवेशन और सेकेंड कैटेगरी लिटरेरी सोर्सेस। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सकेवेशन की, जिसके 5 मेजर प्रूफ्स को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या वर्डिक्ट के लिए प्रोमिनेंटली कंसिडर किया। प्रूफ नंबर 1, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। ये है विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन स्टोन जो ASI को बाबरी मस्जिद के निचले ढांचे से मिला था। इस इंस्क्रिप्शन स्टोन में टोटल 20 लाइंस में हिंदू वर्सेस लिखे हुए थे। जब ASI ने इसकी रीडिंग की तो इस इंस्क्रिप्शन के 19th लाइन में ये क्लियरली मेंशन था कि ये मंदिर है उस राजा का जिसने 10 सिर वाले राक्षस को मारा था। अब आई नो ये किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो 10 सिरों वाला राक्षस कौन था और उसे मारने वाला राजा कौन था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रूफ को प्रोमिनेंटली कंसिडर किया। प्रूफ नंबर 2, हिंदू बेल इन अ मॉस्क। ये देखो, ये बेल मॉस्क के पिलर में बंधी हुई थी
शॉकिंग राइट? ये उतना ही शॉकिंग था सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। जब एएसआई ने जजेस को ये बताया कि इस्लाम में आरती और उसमें यूज होने वाले बेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि हिंदुइज्म में बेल काफी इंपॉर्टेंस रखता है और मोस्टली आपको हर मंदिर में दिखने मिल जाएगा, तो इस प्रूफ को भी सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना पड़ा। प्रूफ नंबर 3, पिलर्स विद कलश स्कल्पचर। अब अगला प्रूफ कुछ ऐसा दिखने वाला कलश है जो बाबरी के पिलर्स में बनाया हुआ था और पूरे मस्जिद में ऐसे इन टोटल 12 पिलर्स थे जहां पर हिंदू देवी देवताओं के डिजाइंस और उनसे रिलेटेड स्कल्पचर्स मिले हैं, जिनका डायरेक्ट लिंक 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के राम जन्मभूमि मंदिर से था। प्रूफ नंबर 4, मस्जिद डोम हैड लोटस। सिर्फ पिलर ही नहीं, बाबरी मस्जिद के मेन डोम के सेंटर में भी कुछ ऐसा दिखने वाला लोटस बना हुआ था। अगेन ये आप जानते होंगे कि लोटस हिंदुइज्म में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से जोड़ा जाता है। इवन गॉडेस लक्ष्मी भी लोटस पर ही वास करती है और भगवान विष्णु भी लोटस पर ही विश्राम करते हैं। पांचवा और एक ऐसा प्रूफ जिसको कोई भी आम इंसान आसानी से देखकर बता सकता था, वो है ये बाबरी मस्जिद का मेन गेट जिसके आर्क्स पर क्लियरली श्री राम जन्मभूमि मंदिर लिखा हुआ था। सो ये सब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हुए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे जो खुदाई या डेमोलिशन के बाद एएसआई को मिले थे। बट अब बात करते हैं लिटररी सोर्सेज की, जिसके प्रूफ्स मोस्टली नॉन हिंदू सोर्सेज से लिए गए थे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुगल्स और ब्रिटिशर्स के ही स्क्रिप्चर्स को यहाँ पर कंसिडर करके डिसीजन लिया। सो स्टार्टिंग विद प्रूफ नंबर 1, गुरु नानक जी की बायोग्राफी जन्म साखी। इसमें गुरु नानक जी अपने डिसाइपल मर्दाना को बताते हैं कि जब साल 1500 में वो अयोध्या आए थे, तब उन्होंने अयोध्या की सरयू नदी में नहाकर राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किया था। प्रूफ नंबर 2, तुलसीदास जी की बुक तुलसी दोह शतक। तुलसीदास जी इसमें बताते हैं कि साल 1528 के गर्मी के मौसम में कुछ बाहर से आए फॉरेन इन्वेडर्स ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया और इसी दौरान इन्वेडर्स ने वहां के कई हिंदूस को जान से मार डाला, विच अगेन प्रूव्ड कि वहां पर मंदिर था। प्रूफ नंबर 3, फॉरेन ट्रैवलॉग। कोर्ट में सिर्फ इंडियन लिटरेरी प्रूफ्स को ही कंसिडर नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने विलियम फिंच और टिफिन थैलर जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स के ट्रैवल लॉग्स, यानी कि जैसे आज घूमते समय लोग ट्रैवल व्लॉग्स रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही पहले के ट्रैवलर्स अपने ट्रैवलिंग के दौरान अपने ऑब्जर्वेशंस को बुक में लिखा करते थे। इन्हीं ट्रैवलर्स में से एक थे ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच, जिन्होंने अपनी बुक अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया 1583 से 1619 के बीच में लिखी है। और जब वो 1608 में अपने अयोध्या विजिट के लिए गए, तो उन्होंने ये मेंशन किया कि वो एक राम कोट नाम की जगह पर गए और तब उन्होंने देखा कि वहां पर रामचंद्र का कैसल यानी कि महल हुआ करता था, जिसके कुछ अवशेष अभी भी बचे थे। विलियम फिंच भी ये मेंशन करते हैं कि आज भी कुछ ब्राह्मण्स वहां पर परिक्रमा करते हैं और सेम कुछ इसी टाइप का मेंशन एक ऑस्ट्रियन ट्रैवलर टाइफिन थैलर ने भी अपने ट्रैवलॉग में किया है कि मुगल्स ने सरयू रिवर बैंक पे सिचुएटेड मंदिर को तोड़ा था, जहां अभी भी हिंदूज द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। प्रूफ नंबर 4, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश रूल के टाइम एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगहम ने अवध प्रोविंस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा है कि अयोध्या में जन्म स्थान वाले जगह पर एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, जिसके कॉलम्स को यूज करके बाबरी मॉस्क बनाया गया है। इवन साल 1886 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जज कर्नल J.E.A. शामियर के पास एक केस आया, जिसमें महंत रघुबीर दास जी ने उनसे ऑलरेडी पूजा हो रहे जगह पर मंदिर बनवाने की रिक्वेस्ट की। इस रिक्वेस्ट पर जज शामियर ने खुद पर्सनली वहां पर जाकर जांच की, जिस जांच के ऊपर उन्होंने ऑफिशियली लिखा भी है कि अनफॉर्चुनेटली मस्जिद हिंदूस के सेक्रेट जगह पर बनाया गया है। अब बात करते हैं प्रूफ नंबर 5 की, मुगल बादशाह औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर के द्वारा लिखा गया लेटर। साल 1707 में औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर ने मुस्लिम राजाओं को ऑर्डर दिया कि वो हिंदूस के ऊपर एग्रेसिवली जिजिया यानी रिलीजियस टैक्स अप्लाई करें और उनकी मूर्ति पूजाओं को रोके, कुछ उस तरह से जैसे मुगल राजाओं ने 3 मेजर मंदिर जैसे अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण मंदिर को तोड़ा था। इस लेटर के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को मुगल एरा के इस्लामिक राइटर नसीर बहादुर की बुक सहीफा ए चहाल में मिला। इस तरह के टोटल 533 एविडेंसेस प्रूफ्स सुप्रीम कोर्ट को दिए गए, जिसे कंसिडर करते हुए एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर बनाने के फेवर में डिसीजन दिया। इवन एट प्रेजेंट भी मंदिर बनाते टाइम जब फाउंडेशन के लिए खुदाई की जा रही थी, तो ऐसे टाइप के ढेरों आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर्स मिले हैं जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। इनको अब सरकार अयोध्या में बनने वाले म्यूजियम में रखने वाली है। अब यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये 500 साल पुराना केस क्लोज ही हुआ था कि एक नई कंट्रोवर्सी आ गई, जो एट प्रेजेंट राम मंदिर बन रहा है इसको अब रूलिंग पार्टी के ऑपोजिशन वाले वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं।
भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो शायद वो मिस कर रहे हैं कि इस मंदिर को बनाने के पैसे ना तो लोगों से आए और ना ही सरकार से। तो अब सवाल आता है कि फिर ये मंदिर बना किसके पैसे से? वेल, प्रोमिनेंट हिंदी न्यूज आउटलेट अमर उजाला में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर बनाने का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पहले 900 करोड़ रखा गया था, बट लोगों के थ्रू 3600 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन आया, जिसकी वजह से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने पैसे बड़े ही स्मार्टली तीन बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट के लिए रख दिया। और फिर इन्हीं बैंक्स में रखे गए पैसों से जो इंटरेस्ट आया उसी ब्याज से ये पूरा मंदिर बना हुआ है। और इसी वजह से ना यहाँ पर सरकार के पैसे यूज हुए हैं, कहाँ 900 करोड़ की जरूरत थी, 36। बट आज जो भी ऑपोजिशन लीडर्स इसे वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं, असल में इस मंदिर से देश की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा पैसा आने वाला है और आना शुरू भी हो चुका है। राम मंदिर के वजह से अयोध्या में आज 5-स्टार होटल्स जैसे ताज, रेडिसन, ITC ओपन हो रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स का एस्टिमेट है कि राम मंदिर के वजह से अयोध्या में 1,00,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट होने वाला है, एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इवन इंडिया टुडे में रिसेंटली पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के पहले ही अयोध्या में 20,000 लोगों को ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब मिल चुका है। इनफैक्ट मैं भी जब इस मामले में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो आई वॉज शॉक्ड। 22 जनवरी के दिन शायद ही अयोध्या के कोई भी होटल में वन नाइट स्टे का रेट 20,000 रुपए से कम है। आज इस मंदिर के कारण अयोध्या में एयरपोर्ट, हाईवेज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी बने, जिससे उस रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब लेट मी आस्क यू, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कर। हाँ जी, और गाइस मैं जब इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ ना, ठीक है, मैंने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, ठीक है, और मुझे काफी चीजों का जो है वो पता नहीं था, लाइक के 500 साल से ये केस चल रहा है और बाबरी मस्जिद और फिर राम मंदिर और ये वो सारी चीजों का मुझे इस वीडियो के थ्रू पता चला, मुझे पहले पता नहीं था। और बाकी रही बात कि इस वीडियो में है कितनी सच्चाई और कितना है झूठ, वो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताएंगे, क्योंकि मैं मोस्टली जब वीडियो कोई देखती हूँ ना तो मैं उसके ऊपर जो है वो अपना तो रिएक्शन देती हूँ, लेकिन उस वीडियो में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ना ही मुझे जो है वो बाबरी मस्जिद का इतना पता था, ठीक है, इस केस में, और ना ही राम मंदिर का मुझे इतना पता था, मुझे तो जितना कुछ पता चला इस वीडियो के थ्रू ही पता चला। अब क्या है कि आप लोगों की राय जो है वो मुझे आपके कमेंट बॉक्स से ही पता चलेगी, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ये मुझे बात बताना है कि एक 500 साल से चलता हुआ केस जो है वो 40 दिनों के अंदर हल हो गया, तो इज इट राइट, आप ये मुझे बताइएगा, और कितनी इस बात में सच्चाई है जो इस वीडियो के थ्रू मुझे पता चली, और कितना है झूठ, वो तो आप लोगों के कमेंट बॉक्स से ही पता चलेगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।